अच्छा प्रबंध अपने इस राज दरबार में किया है नाचने गाने का। जी हजूर, मैं तुम्हारे द्वारा बुलवाई गई इन नटनियों के इस कला से बहुत प्रसन्न हूँ और इन्हें कुछ प्रोत्साहन राशि देना चाहता हूँ। जी महाराज दीजिए। सबसे पहले तेरी छोटी वाली नटनी को ही बुला। आजा राजा। कुछ कंट्रोल भी कर शेर खान, ये राज दरबार है। मैं तुम्हारी पार्टी जो आपने बुलवाई है नाचने गाने का प्रबंध जो किया है, आपकी सबसे छोटी नटनी को 1100 स्वर्ण मुद्राएं देना हूं, दे रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? नहीं, देख ले कभी दिक्कत हो। हजूर मैं भी दूंगा आज कुछ से। हाँ हजूर, जो बड़ी आई है नटनी, जो सबसे बड़ी नटनी है, हाँ। अब उसे राज दरबार में बुलाया जाए। नटनी जी दरबार में पेश हूं, आइए। जी महाराज, जितनी भी नटनियां यहाँ शेर खान के द्वारा बुलवाई गई है महाराज अकबर के दरबार में, आप सभी का हार्दिक स्वागत और सम्मान है। नमस्कार महाराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरबार, मैं आपने जो आपकी कला दिखाई है मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ और आपको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। हम तीन नटनी आई है महाराज। हाँ, तीन है, एक का तो हो गया मान सम्मान, दूसरी का चार नट आए हैं हमारे साथ। चार नट भी हैं जी। आपका भी मान सम्मान करना चाहते हैं, आप इस टीम के ऑर्गेनाइजर हैं, आपके लिए 2100 दे दी जाए तो कोई दिक्कत? हे महाराज, आपने हमारे नाचने और गाने की तारीफ कर दी, हमारे लिए वही काफी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए? नहीं। अगर आपको यहाँ से कुछ नहीं चाहिए तो इससे महाराज अकबर के राज दरबार का अपमान होगा। अगर मेरी कुछ ना मांगने पर आपके इस राज दरबार की तोहीन होती है, हाँ बिल्कुल, तो महाराज मुझे धन दौलत हीरे मोती सोना चांदी नहीं चाहिए। अगर कुछ देना ही चाहते हो तो आज के दरबार में मैं झोली फैलाकर आपसे इंसाफ मांगती हूँ, मुझे इंसाफ दीजिए। महाराज अकबर के राज दरबार में आप इंसाफ मांगती हैं, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है कि आपको इंसाफ मांगना पड़े। महाराज अकबर के दरबार में हमेशा न्याय होता आया है और आज भी इंसाफ होकर के रहेगा। क्या मांगना चाहती हैं? आपके दरबार में मेरा एक चोर बैठा हुआ है महाराज। मेरे दरबार में चोर? हाँ। नहीं नहीं नटनी, कदापि महाराज अकबर के दरबार में कोई चोर नहीं हो सकता। आपके दरबार में मेरा चोर है और उस चोर ने मेरे 500 रुपए रुख सोने की जंजीर चुराई है। मेरे राज दरबार में इतना गिरा हुआ चोर जो मात्र 500 रुपए चुराएगा और एक सोने की जंजीर, ज्यादा से ज्यादा 10-11 हजार रुपए की होगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो उस चोर को मैं आपके सामने भी ला सकती हूँ पकड़ के। हाँ, जो आपका चोर है आप मेरे सामने उस चोर को पेश करिए। पहले आप वादा करो कि अगर उस चोर को मैंने चोर साबित कर दिया तो आप उसे फांसी लगाओगे। बिल्कुल, मैं उसे फांसी लगाऊंगा। आज इस राज दरबार के अंदर एक फांसी नहीं बल्कि दो दो लोगों को फांसी लगाई जाएगी। एक तो पृथ्वी सिंह, जो पहले ही सजा मुकर्रर जिसके लिए हो चुकी है, और एक दूसरी फांसी उसे करी जाएगी जिसे आप यहाँ चोर साबित करेंगे। तो महाराज यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ। और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा वो चोर कोई और नहीं शेर खान बल्कि ये शेर खान है। खड़ा हो। शेर खान इधर आ। तूने हमारी नटनी को कैसे छेड़ा? लाहौल बुला कुवत। तूने हमारी नटनी को हाथ कैसे लगाया? शेर खान। जी हजूर। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये नटनी कह रही है कि तुमने इनके 500 रुपए और एक सोने की जंजीर चुराई है। हजूर झूठ बोलती है। झूठ बोलती? एक नंबर की झूठी है। इसका काम नाचने गाने का है। इसका काम नाचने गाने का है, ये बात तो मुझे भी पता है, लेकिन ये दावे के साथ कह रही है कि मेरे 500 रुपए और गढ़ सोने की जंजीर जो शेर खान ने चुराई है और इस भरी सभा के अंदर इसने तुझे हाथ पकड़ करके उठाया है। शेर खान। हजूर, दरबार से मुझे बहुत बड़ी तनख्वाह मिलती है। हाँ, और वो तो हमें दिख रहा है कि कितनी बड़ी तनख्वाह मिलती है, टुक्की लगा के तैमंद बांध रखा है। ये तो हमारी फैशन है। हाँ, फैशन है। हाँ। शेर खान। जी हजूर। या इसकी बात में सच्चाई है या तुम्हारी बात में सच्चाई? किसकी बात में सच्चाई है हजूर? देख ले कदे कोई और चोर हो। काबे की तरफ हाथ ठा के कहता हूँ, अच्छा मैंने कोई चोरी नहीं की है। कोई और हजूर, मेरे हालात कुछ भी रहे हो जिंदगी में, कभी मैंने झूठ का सहारा नहीं लिया है। शेर खान। जी हजूर। हमारे मजहब में कुरान से बढ़कर के कोई चीज नहीं होती। कुरान सौगंध खाता हूँ। हाँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। नटनी,
इस झूठ के चक्कर में आपको मालूम है महाराज अकबर के दरबार में आपको भी सजाए मौत सुनाई, मौत की सजा देती। हाथ क्यों कांप रहे हैं महाराज? हजूर शेर खान हल्ला रो, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है शेर खान। भूकंप आ रहा है महाराज, भूकंप। अच्छा मैं तुम लोगों को 10 मिनट का समय देता हूँ, या तो आप इसे चोर साबित कर दीजिए, अन्यथा आप फांसी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, आपको फांसी लगाई जाएगी। डायन को आ गई, तुझे खा के जाएगी डायन। देख ले शेर खान, 10 मिनट में तो मैं इसे फांसी पे चढ़ा दूँ। कर लो 10 मिनट में जो भी बातें आपको करनी है, मशवरा करके बता दो। नहीं जानता, आज से पहले तूने मुझे कहीं नहीं देखा? नहीं देखा है। अगर नहीं देखा तो मेरी पहचान कर शेर खान, इस दरबार में मैं कौन हूँ? इस दरबार में रोजाना जश्न होता है और तुम जैसी नटनी नाचने के लिए आते हैं, हम किस किस की पहचान करें? मेरी पहचान कर शेर खान, सुन मेरी बात। बोलो। हे रे कर लीजिए पहचान शेर खान, मैं आज तने समझाऊं। अच्छा, हे कोन्या देख शान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं। अच्छा, कोन्या देख शान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं। पढ़ता हूँ मैं, अल्लाह ताला को साक्षी मानता हूँ मैं, और तू सुबह से उठकर मुंह नहीं धोया होगा, लिपस्टिक लगा के, क्रीम लगा के, मस्कारा लगा के दरबार में चली आई, निकल जा यहाँ से। तू पांच टाइम नमाज अदा करता है, इसका मतलब पांच समय नहाता है? बिल्कुल नहाता हूँ। तू पांच समय नहाता है फिर भी तेरे में से बहुत गंदी बदबू आ रही है। यो तो सेंट है। हम पे सेंट है यू। ठोक ले रहा है। भाई भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुझसे सुंदर लग रही हूँ शेर खान। सुन अच्छा।
खेल दिखाऊं, खेल दिखाने वाली को और खेल दिखाने वाली को मैं लगातार पहचान कर मैं कौन हूं। देखो दरबारी देखो, अरे तुम भी देखो, तुम भी देखो, तुम भी देखो, तुम भी देखो, देखो देखो, ये कोई नाचने वाली लड़की नहीं है, ये तो कोई बादशाह की बेगम है। यही समझ ले, हे मेरे मौला, हे मेरे आमीन, आज एक हिंदवानी औरत मुसलमानी हो रही है, तुझे जन्नत नसीब मिले। जन्नत तू ही नसीब कर ले, हिंदवानी मुसलमानी, और ये तेरे बाप का राज है जो हिंदवानियों को तू मुसलमानी बना लेगा। बड़े का खाया करेगी, बड़े का तू ही खा ले, बड़े का। हम तो नॉन वेज से, हम तो नॉन वेज से भी बहुत दूर है, कोरोना वायरस फैला हुआ है पागल, सब दूर हो जाएगा। अम्बे जब तो खा गए बड़े का, अब मच्छी की लगाई डोल रहे हैं। सुन ज्यादा चढ़ गया है, कभी कभी शेर खान के खुजली हो जा। नाचन वाली नहीं शेर खान, मैं सुना गणकाली, भगत मार फिरे बेहूदी ढोंग बनावे जारी, मेरे चमन में आग लगा के खुद बन बैठी माली, तेरा जैसी उठ फिरे नाचन यहाँ हर जा। बार बार तेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रही हैं, और 8 मिनट का समय बीत चुका है, नटनी मात्र 2 मिनट शेष बची हैं। अब तक शेर खान चोर साबित नहीं हुआ है, ये शेर खान बाजी जीतने जा रहा है, ये समझ जीत ही चुका है। आई थी एक नटनिया शेर खान को फंसाने, जा तेरे जैसी कितनी नचनिया खलाल करती है। ओ, खलाल कर रही है। हाँ। मेरे जैसी नचनिया नहीं होगी कोई। 2 मिनट का टाइम बिल्कुल शेष बचा है महाराज, 2 मिनट बाकी है। हाँ, 2 मिनट बाकी है। 8 मिनट में जो कुछ नहीं कर पाई तो 2 मिनट में क्या कर लेगी। अरे 2 मिनट में तो मैं तुझे फांसी पे चढ़ा दूंगी। हजूर ठहरिए, ठहरिए। हजूर, हाँ। 4 बजने पे पास लगता है मुझे, 6 मिनट बाकी है, मेरी नवाज का टाइम हो चुका है। अभी रुक शेर खान,
नमाज यहीं पढ़वा देंगे तेरी। जी पढ़ लूं? पढ़ ले चल, फिर क्या पता नमाज पढ़े ना पढ़े। अब तुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है शेर खान। क्यों? क्योंकि अब तुझे मैं अल्लाह के पास भेजूंगी। वो कैसे? वो ऐसे, तू कहता है कि तू मुझे नहीं जानता। नहीं जानता? तूने मुझे नहीं देखा? मैंने कह दिया नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। तुम कौन हो और कहां से आई हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर तू मुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं पहचानता, तो चिल्ला मत शेर खान, जवाब दे कि बादशाह सलामत के भरे दरबार में तूने पृथ्वी सिंह से यह कैसे कह दिया था कि तूने उसकी पत्नी किरणमयी की बाईजान पर दिल का निशान देखा है। शेर खान, हट जा, बहुत बुरा राजा मरवा, अरे मरवा देगे, अरे हट जाओ, अरे हट जा, मरवा देगे, बहुत बुरा राजा के, अरे हट जाओ। शेर खान जी, हजूर वापस आ। हजूर, इधर हजूर। तूने तो कहा था कि तू किरणमयी के महलों में 15 दिन बिता के आया है। हजूर, मुझे इसी वक्त दरबार से छुट्टी चाहिए, रुख्सत चाहिए। क्यों? मेरी सलमा बीमार है। अच्छा, सलमा बीमार है, तो टेंशन मत ले, परसों ही तो तू छुट्टी काट के आया है। परसों रजिया बीमार थी। हजूर, हाँ रजिया भी। अच्छा ये बता, तेरी बेगम कितनी है? हजूर, सात। सात? सात? जोरदार ताली हो जाए शेर खान के लिए, जोरदार। और बच्चे गिन के बताने पड़ते हैं इसको। हजूर, 21.5। 21.5? 21 या 22 होने चाहिए। 21.5 का क्या मतलब? आधे का सिस्टम क्या है शेर खान? पेट में है। अच्छा हजूर, 21.5। कैसे 21.5? और शादी को कितने साल हो गए? हजूर, 2 वर्ष। 2 वर्ष शादी को हुए और 21.5 बच्चे। तेरी तो एवरेज बहुत बढ़िया है शेर खान। औरत है, मैं बकरी है जो 6 महीने में तैयार। नटनी जी, ये तो अल्लाह ताला मेहरबान है। लेकिन आज भी तेरे पे अल्लाह ताला मेहरबान है, तुझे अल्लाह के पास ही भेजेंगे। शेर खान, तू अभी से नटनी मत कह, गौर से देख। पर यूं बता, ये 21.5 की संख्या कैसे है? इसको 22 पूरी कर। हजूर, अब तो मुश्किल ही है। हजूर, जब मैं सुबह दरबार के लिए आ रहा था, हाँ, आ रहा था, मेरी बीवी, हाँ, दर्द से पीड़ित थी। अच्छा। और चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा रही थी। कैसे? क्या? कह रही थी, हाँ, अल्लो और अल्लो और अम्मी, अम्मी और अल्लाह पुकार रही थी। इसका मतलब तुम्हारी बेगम पेट से है। जी। अच्छा, तो उसको तुम आधे में गिन रहे हो बच्चे को। जी ठीक है, कोई बात नहीं शेर खान, अब बादशाह सलामत आप अपना आदेश सुनाइए। शेर खान, तूने कहा था कि तू 15 दिन किरणमयी के रंग महल में रहकर आया है, अच्छे आनंद करे थे तूने तो। लेकिन गौर से देख, ये है किरणमयी, तू इसे जानता नहीं है। ये तेरी दीदी, ये तेरी दीदी किरणमयी है। ये किरणमयी नहीं है। ये किरणमयी नहीं है, उसकी बहन हो सकती है। इस दुनिया में मेरी कोई बहन ही नहीं है। आजा, बड़े मजे ले रहा हूँ। छोटी छोटी वाली वो कहाँ गई? छोटी एक और भी तो थी नटनी। हाँ, नटनी। बड़े आनंद ले रहा था। अभी देख, तेरा सर धड़ से कलम करा जाएगा मरने के लिए। नहीं हजूर, नहीं, अल्लाह के वास्ते इसी गरीब से तैयार करो। गरीब? हजूर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने छोटे छोटे? कितने छोटे छोटे बच्चे हैं तेरे? अच्छा अच्छा, ये क्या है? नटनी जी, जी एक ने तो कुछ देखा नहीं है, बड़े अंदर ही अंदर है, बाहर की बारिश भी ना देख पाएगा। और संभवतः शेर खान अगर तेरी ऐसे ही कारनामे रहे तो देखेगा भी ना आगे कुछ। कोई बात नहीं हजूर। अब महाराज, इसको एक सजा मैं अपनी तरफ से दूंगी। हाँ। कि जो कनीना का चौराया है ना, जो कनीना का चौराया है,
बीना का चौराया बघेल वैद्य कहूं गए उस पे तुझे ले जाया जाएगा शेर खान, और तुझ पे गुड़ की और चीनी की चाशनी लिपटवाई जाएगी, चाशनी चाशनी, और तुझ पे चीनी और गुड़ की चाशनी लिपटवा कर ये क्या हो रहा है तेरे, फिर तुझ पे देसी कुत्ते छुड़वाए जाएंगे। नहीं हजूर, नहीं देसी नहीं हजूर, ये तो किरणमयी की सजा है, मेरी सजा तो सजाए मौत है तेरे लिए। नहीं हजूर, देसी तो कम से कम डेढ़ घंटा चुप हो जाएंगे। अब तुम मरेगा शेर खान, सुन मेरी बात। सुनाई मतलब प्यार प्रीति का, अमर चंदिया खीर बना दे ढंग ते आज गीते का, दूसर पारी निभाते दर्जा तेरा बन मीति का, दूसर पारी निभाते दर्जा तेरा बन गीते का। सुबह शाम गुरु की सेवा, सुबह शाम गुरु की सेवा करने वे ना जाऊं, छोटे से बच्चे का भुन्ना जाचान का बतलाऊ, को ना देख शान तेरी में कसम खुदा की खाऊ। खुदा की खा।